काफी दिनों से गुल्ली और बुल्ली का दिन काफी सुकून से बीत रहा है। सारा दिन मौज मस्ती करते हुए गुजरता है और रात के वक्त भी उधम चौकड़ी चालू रहती है। और आज अपना पॉटी बॉय शॉन ने इन दोनों को अपने घर बुलाया है, लेकिन बाबा ने भी इन दोनों को कुछ दिखाने के लिए अपने घर बुलाया है। और ये लोग पहले बाबा का घर जाने वाले हैं, क्योंकि अगर बाबा नाराज हो गए तो उनका गुस्सा काफी खतरनाक होगा। इसलिए ये दोनों बाबा के घर पर पहले जाने का फैसला करते हैं। और बुल्ली यहाँ पर गाड़ी पर बैठा गुल्ली का इंतजार कर ही रहा होता है। और फिर बुल्ली गुल्ली से कहता है कि अरे गुल्ली, अब आओ, आकर बैठोगे भी या फिर मुंह ही देखते रहोगे मेरा, जल्दी से आओ। और ये सब सुनकर गुल्ली से कहता है, हाँ बुल्ली मैं आ ही रहा हूँ, मैं तो बस ये सोच रहा था कि आखिर बाबा ने हम दोनों को क्या दिखाने के लिए बुलाया है। मुझे लगता है वो हमें कुछ अच्छी चीज दिखाने वाले हैं, तो चलो जल्दी हम लोग चलते हैं, जरा भी देर ना हो पाए। और इतना बोलकर गुल्ली भी गाड़ी में बैठ जाता है। और फिर गुल्ली गाड़ी स्टार्ट करता है और फिर ये लोग वहाँ से निकल जाते हैं बाबा के घर की तरफ। ये लोग रास्ते से जा ही रहे होते हैं कि तभी गुल्ली बुल्ली से कहता है कि गुल्ली मुझे कुछ दाल में कुछ काला लग रहा है, क्योंकि बाबा तो कहीं दूर गए हुए थे और उन्होंने हमें फ़ोन पर बताया था कि वो कल आएंगे, तो वो आज कैसे आ गए, मुझे पक्का कुछ तो गड़बड़ लग रही है, तुम्हें क्या लगता है। और ये सब सुनकर गुल्ली से कहता है कि हाँ गुल्ली कहा तो था, लेकिन ऐसा भी हो सकता है कि वो आज ही आ गए हों और हमें बताना भूल गए हों। और वो देखो वो रहे बाबा, अब चलो जल्दी उनके पास, नहीं तो वो और भी नाराज हो जाएंगे, हम उनके घर आए और वो और उनके पास नहीं गए। और इतना बोलकर बुल्ली बाबा के घर के पास गाड़ी रोक कर गाड़ी से उतरता है और फिर वो जाने लगता है बाबा के पास। और वो गुल्ली से भी कहता है कि चलो जल्दी, अब मेरा मुंह मत देखते रहो। और इसके बाद गुल्ली और बुल्ली बाबा के पास जाने लगते हैं बहुत ही तेज़ी से, क्योंकि इन्हें उस चीज़ को देखने की जल्दी है जो बाबा दिखाना चाहते हैं। ये लोग जैसे ही बाबा के पास पहुंचते हैं, बुल्ली बाबा को देखकर बाबा से पूछता है कि बाबा क्या हुआ, इतनी रात को आपने हमें क्यों बुलाया है और आप इतने जल्दी कैसे आ गए यहाँ पर, आप तो कल आने वाले थे ना, और ऐसी भी क्या चीज़ है जो आप हमें दिखाना चाहते हैं। और ये सब सुनकर बाबा गुल्ली और बुल्ली से कहते हैं कि हाँ गुल्ली बुल्ली, मैं आज आ गया था क्योंकि मेरी फ्लाइट आज ही बुक हो गई थी, तो मैंने सोचा कि आज आकर तुम दोनों को थोड़ा सरप्राइज दे दूँ, और वो चीज़ जल्द ही मैं तुम्हें दिखाऊंगा। बस मेरी एक तुमसे विनती है, ये है कि तुम दोनों उस चीज़ को देखकर डरना मत, मुझे पूरा यकीन है कि तुम डरोगे नहीं। और ये सब सुनकर गुल्ली बाबा से कहता है कि हाँ बाबा हम नहीं डरेंगे, क्योंकि हम आज तक किसी से नहीं डरे, तो आप जो दिखाने वाले हैं वो इतना भी क्या खतरनाक चीज़ है जो हम डर जाएंगे, चलिए दिखाइए अब, मुझे देखने की बहुत जल्दी हो रही है। और बाबा ये सब सुनकर गुल्ली बुल्ली से कहते हैं अगर ऐसी बात है तो देखो मेरे पीछे, अगर तुम लोग नहीं डरे तो मेरा नाम नहीं। और इसके बाद गुल्ली बुल्ली पीछे देखते हैं और ये लोग सही में डर जाते हैं, इन दोनों ने आखिर ऐसा क्या देख लिया। अरे ये क्या, ये तो खूनी पिग है, खूनी पिग बाबा के घर पर क्या कर रहा है। खूनी पिग को देखकर गुल्ली बुल्ली काफी डरे हुए बाबा से कहते हैं कि बाबा ये देखिए खूनी पिग आप पे हमला करने वाला है। लेकिन बाबा गुल्ली बुल्ली के बात का कोई जवाब नहीं दे रहे होते हैं। और इसके बाद ये दोनों पीछे देखते हैं तो दरवाजे में कुछ हलचल होने लगती है और तभी दरवाज़ा खुलता है और उसमें से कोई बाहर आता है। तो दोस्तों क्या होगा अब गुल्ली बुल्ली का, क्या गुल्ली और बुल्ली नकली बाबा से बच पाएंगे या फिर नकली बाबा मिलकर खूनी पिग और सरकटे के साथ इन दोनों को मार देंगे, ये सब हम देखेंगे नेक्स्ट पार्ट में। तो दोस्तों अगर आप नेक्स्ट पार्ट देखना चाहते हैं तो इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन दबाना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।